ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਭਗਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਬਾਨਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਯੂਸ ਹੋ ਰੱਖਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੀ ਬਾਨਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਇੱਛਾਪੁਰ ਨੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ सो गाइस जो आए फाइनल दिन आ गया जिस जहाँ पे हम जिस दिन हम पुष्कर जाएंगे और पहले हम कूड़े वाली ट्रॉली से फेंकने जा रहे हैं क्योंकि गाइस सेवा भी जरूरी है सेवा किसके लिए जरूरी है अपने के लिए जरूरी है सेवा नहीं करेंगे तो मेवा कहाँ से खाएंगे और आज जाएंगे पुष्कर तैयार श्यार हो गए फुल रेडी और बस अभी कूड़ा फेंकने जा रहे हैं ये रेडी देख ली हुई आपने तो ये फेंक कर फिर मिलेंगे आपसे मौज आ रही है ये इधर फिर से बता रहा हूँ ये हरियाणा ये बॉर्डर ये राजस्थान बट राजस्थान में हरियाली देखिए जब माँ पिंडा रखी है सोना लग रहा है ना तो गाइस मैंने कहा था जैसे दो बजे चलेंगे वहाँ से दो बजे चल लिए और अब राजस्थान में आ गए यहाँ से देख सकते हैं आप और तेरे दांतों भी टूटे ने ये देखो ये राजस्थान का है कालू कालू चाचा मेरा ना कालू क्या कर रही यहाँ से देख सकते हैं आप राजस्थान में और यहाँ से देख सकते हैं आप क्या सीन है ये कंपनी कौन सा चंद चुंद आ गया यहाँ पे यार और मिलेंगे थोड़ी देर बाद में अब आगे सीन दिखाई करेंगे आपको ठीक है इसके साथ दान दिखाई श्री इच्छापुर ने बालाजी मंदिर पे देख सकते हैं हनुमान जी का इसमें एक हम पहुंच गए श्री इच्छापुर ने बालाजी मंदिर पे और यहाँ पे हिस्ट्री इसकी ये है कि जब ये बन रहा था अपना ये मंदिर बन रहा था जब एक मंकी आता था और जब ईट जब मिस्त्री खराब लगा जाता था या थोड़ी टेढ़ी लगा था या कुछ मतलब कि बेमन से लगाया जाता कुछ भी मान लो तो वो मंकी आकर इसको या खराब करके जाता था या सीधी लगा के जाता था ईट ये असली कहानी है ये बिल्कुल और जो मंकी जी थे उनका जो शरीर था जैसे वो उनकी डेथ हुई वो भी वहाँ पे हुई जहाँ का वो मिस्त्री था उनके घर के ऊपर घर के पास में वहाँ पे डेथ हुई उनकी जाकर ये उनकी मंदिर की हिस्ट्री है मतलब इच्छापुर ने मंदिर और ये हनुमान जी का मंदिर अंदर से दिखाते हैं आप चले यहाँ पे एम्बुलेंस इधर खड़ी है और शीशों में जड़कर और उधर कोई और गाड़ी खड़ी है ये देखिए गाइस अंदर अंदर से कुछ देखिए पूरी हिस्ट्री बना रखी श्री बालाजी महाराज जी के ऊपर ये पूरा मंदिर पे एक बना रखा है इसकी हिस्ट्री भी होगी पीछे वो हमें नहीं पता भी बट आगे ब्लॉग में बताएंगे जरूर जय हो और भाई भी आपने साथ हैं सो गाइस यहाँ पे अपने भोले जी शंकर भी गए गणेश जी भोले जी माता पार्वती जी और यहाँ पे शिवलिंग जी शिवलिंग और नंदी महाराज देखिए इनके कह रहे कान में कुछ भी बता दो या कोई भी जहाँ पे मंदिर है शिव जी का उनके कान में नंदी महाराज जरूर होंगे जहाँ पे शिव जी का मंदिर होगा और उनके कान में कुछ भी बता दो वो सीधा शिव जी के पास जाती है ऐसा कुछ हिस्ट्री में है ठीक है देख सकते क्या मस्त स्वरूप है जय हर हर महादेव हर हर महादेव हिस्ट्री के बारे बता रहे जय श्री बालाजी भगवान लो जी ये सरदार शहर है राजस्थान दे विच मंदिर बनया बालाजी भगवान का ये जगह की महत्ता की है भी इतने ना जो एक बाणी वालों बनाया गया एक सेठ होया उन्हें वालों मंदिर तैयार करवाया गया कि ये मंदिर भगवान रहिंदे खुद बानर रूप दे विच बालाजी तो जो मंदिर बनता सी तो उन्होंने जो कि गलत लगना उन्होंने आके ढा देना बानर रूप दे विच भगवान जी को बालाजी महाराज ने ढा देना तो पर जो सारा कंप्लीट होया सी मंदिर
वो तो फिर बानर रूप के भगवान उन्होंने घरे जाते हैं उस सेठ के जिन्हों वालों मंदिर तैयार कराया गया तो उत्थे जो घरे गए उन्होंने दर्शन दे के अपना शरीर छड़ता से भाव पूरे हो गए बानर रूप के हनुमान जी इस करके मंदिर की बड़ी महत्ता है तो लाल इट्टा के नाल पत्थर के नाल मंदिर तैयार होया भगवान के दर से जो संगत आने की इच्छा पूरी होंगी है तो जय श्री बाला जी भगवान हर हर महादेव भगवान की जय सदा ही जय। ये अभी शॉर्ट में जाके बाहर बताता हूँ मैं और यहाँ शिव जी का स्वरूप है और बहुत बड़े बड़े स्वरूप बना रखे हैं यहाँ पे माता पार्वती यहाँ दशहरा बन रहा था एक बानिया ने बनाया था ये पर सारा मंदिर और इसका जो श्री बालाजी मतलब श्री हनुमान जी खुद एक स्वरूप में आए थे यहाँ पे मतलब कि जब बन रहा था ये तब तो वो मौजूद थे यहाँ पे और जब ईंट या कुछ भी गड़बड़े लग जाती थी या खराब लग जाती थी तो आकर वो सही कर देते थे। उसके बाद जब उसके बाद क्या हुआ जब ये मंदिर कंप्लीट हो गया जब ये मंदिर कंप्लीट हो गया उसके बाद जाकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया उनके सामने स्वरूप में पहले आए पहले हनुमान जी आए स्वरूप में उनके बाद उनका शरीर छोड़ दिया वहीं पे कुछ इस तरह इनका। सो गाइस कुछ ऐसा था टूर इसका देख सकते हैं श्री बालाजी मंदिर का अभी और दिखाएंगे आपको और पुष्कर चलेंगे फिर मिलेंगे। जो मेन मंदिर था जहाँ पे मूर्ति की स्थापना थी वहाँ उधर की साइड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब जब बाहर आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको अग्नि देवता ही मिलेंगे और हनुमान जी की मूर्ति एक और बार मिलेगी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया और पार्क भी बढ़िया बना रखे हैं बाकी ये देखिए एक बार दिल चढ़ा रखे हैं बाहर से क्या बेहतरीन लग रहा कितना मस्त लग रहा उधर एम्बुलेंस और उधर अपना एक गाड़ी पता नहीं कौन सी है गणेश जी ये गणेश जी भगवान की पूरी एक मूर्ति स्थापना हो रखी है देख सकते हैं जिन्होंने बनाया था वो ये अंकल जी थे सेठ जी थे जिन्होंने पूरा मंदिर बना रखा और जो मंकी वाली कहानी है वो थी उनकी मिस्त्री की जो वो मिस्त्री ने बना रखा जो मंकी वाली कहानी वो सच्ची कहानी है बिल्कुल और इसको श्री बालाजी मंदिर सारा का सारा लाल पत्थर यूज हो रखा है और इन्होंने बना रखा है ये अकेले आदमी ने इन्होंने बनाया पूरा मंदिर इतना पैसा लगाया सिर्फ इन्होंने लगाया है और बस इसमें पूरा लाल पत्थर इस्तेमाल हुआ लाल पत्थर इस्तेमाल हुआ ये राजस्थान में पाया था लाल पत्थर वो इस्तेमाल हुआ ठीक है। और मैंने बता दिया इसकी कहानी जब वो वानर जब इसके मतलब हनुमान जी के रूप में आए थे वानर सेना जी और वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी उनके घर पे जाकर प्रसाद पूरा श्री इच्छा पूर्ण बालाजी मंदिर चल रहे हैं जर्नी कंटिन्यू करने के लिए अजमेर शरीफ मिलेंगे 2 बजे का ऊपर का टाइम होगा पुष्कर पहुँच गए। सो गाइस यहाँ पे गाड़ी खड़ी है अपनी ये फॉर्चुनर ये दोनों स्कॉर्पियो ये सफारी और पहुँच कर कल मिलेंगे व्लॉग कल पुष्कर का।